ये देखें यहाँ पे पार्क भी है। और हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई थी, मुझे मार्केट में ब्लॉग बनाना था। मेरी मामा का सूट, ये देखिए, दिखाएं गला आपने इसका, कैसा गला ये बनाया देखें। है इसमें इन्होंने, ये गला सो फ्रेंड्स, बनाया। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं वापस मशीन की तरफ। ये देखिए, ये मेरी मज़े की शलवार। फाइनली हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। ये देखो, चाय भी पीनी है, अंडा भी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जा रही थी जमेरात बाज़ार, ये मतलब लांडी में लगता है, बहुत सस्ता बाज़ार है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, और मैंने वहाँ से कुछ सामान भी लेना था। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और दिखाते हैं आपको। ये देखें यहाँ पे पार्क भी है। और हेलो फ्रेंड्स, तो मैं घर आ गई थी, मुझे मार्केट में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मुझे घर आके सिलाई भी करनी थी, तो अभी मैं लेके बैठी हूँ सिलाई। ये देखिए, मैंने आज गोल गला बनाया है, और ये मैं अपनी सिस्टर का सूट सी रही हूँ, तो मैंने गोल गला बनाया है, ये देखिए, क्योंकि मेरी सिस्टर को और गले पसंद नहीं है और डिज़ाइन के, और मुझे भी गोल गले ही पसंद है वैसे। तो ये देखिए, मैंने गोल गला बनाया है, अब मैं इसे पेस्ट करूँगी अपनी कमीज में, फिर आपको दिखाऊंगी। और इस तरफ सिल रहा है मेरी मामा का सूट, ये देखिए, दिखाएं गला आपने इसका, कैसा गला बनाया है। ये देखिए, इसमें इन्होंने ये गला बनाया है बनाया, और अभी हम आप इसको पलट कर दिखाएंगे। और ये है मेरी मदर का सूट, और ये मैंने गला काटा है अपनी सिस्टर का, और अभी मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम आ चुके हैं वापस मशीन की तरफ। ये देखिए, ये मेरी मदर की शलवार है, आई थिंक ये मेरी मदर की शलवार है, इसमें हमने लगाई है सेंटर लेस, ये देखिए। और अब मेरी आपी भी आ चुकी हैं, और ये भी अपना सूट लेकर आ गई हैं, क्योंकि ये भी अपना सूट यहीं से लेंगी। ये देखिए, ये इनका सूट है जो इन्हें अलविदा जुम्मे पर पहनना है। ये देखिए, ये भी अलविदा जुम्मे पर पहनेंगी, और अब ये भी कटिंग करेंगी। और यहाँ मेरी मामा का सूट सिल रहा है, चले आपको मैं दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके। चले, यहाँ से कट कीजिए, दोनों पीस अलग कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मशवरा चाहिए हो मुझसे कपड़ों के मामले में, आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं स्टिचिंग सिखाती भी हूँ, और काफ़ी सारे लड़के मेरे पास आती हैं रमज़ान की वजह से, मैंने उन्हें सुबह की टाइमिंग दी हुई है, तो वो सुबह आ जाती हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे भतीजे को लगी थी भूख, तो मैं उसे अंडा फ्राई करके दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने अंडा फेंट लिया है, ये देखिए, तवे पर डालूँगी मैं। और फ्रेंड्स, फाइनली हमारा अंडा फ्राई हो चुका है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अब मैं ये चाय भी रख रही हूँ, क्योंकि मेरे भतीजे को चाय भी पीनी है, कि वह अभी सोकर उठे हैं। तो अब ये चाय पक रही है, अंडा मेरा तैयार है, तो जब तक मैं उसे अंडा देकर आती हूँ, फिर उसके बाद चाय निकाल के लाऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। सो ये देखिए, अंडा मेरा तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे भतीजे जिन्होंने मुझका अंडा बनवाया था। आपको अंडा कैसा लगा, हाय कर दीजिए फ्रेंड्स को। हाय फ्रेंड्स, यहाँ ये अंडा खा रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ मेरी भाभी जान पुराने पाक पड़ रही हैं, और बस कुछ ही रमज़ान हमारे बीच रह चुके हैं, माशाल्लाह से आज 24वां रमज़ान हो गए हैं। और अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके सबके तमाम दिले मुरादों को पूरा करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और फ्रेंड्स, हमारे लिए भी दुआ करिएगा। और ये देखिए, वहाँ कपड़े सिल रहे हैं, और यहाँ इन्होंने मुझे अंडा बनाने के लिए भेज दिया। अब मैं वापस जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्टिचिंग कैसे करी है। अभी तो फ़िलहाल मैंने उसमें सिर्फ गला ही पेस्ट करना है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।